ब्लॉक है वो मैं स्टार्ट करा है शाम को, अभी 6 बजी है और हम सुमेरपुर से जा रहे हैं सिरोही। कल आए थे हम सुमेरपुर और आज जा रहे हैं सिरोही, तो बहुत लंबे टाइम के बाद जा रही हूँ मैं सिरोही। लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी और अभी भी कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो बस फाइनली हम अब सिरोही पहुँचने ही वाले हैं। ये मम्मी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सबसे हमसे भी ज्यादा। तो चलिए ये देखिए, ये मिनी गार्डन है, ये देखिए सोहम का स्पोर्ट में। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई और जब मैं सिरोही पहुंची तो मैं मिलने लग गई दादू सा से, मम्मी से, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे खुद शूट करना था तो मैं कैमरा पकड़ के शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद मिल रही थी उन सबसे और टाइम बाद मिली तो ऑफकोर्सली शूट करना तो पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को, तो अभी मैं मॉर्निंग में आपसे बात कर रही हूँ तो इसलिए गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं आपको अपने दादू सा से मिलवाती हूँ। ये है मेरे दादू सा, ये है मेरे दादू सा। राम राम कर दो दादा सा, राम राम कर दो। यहाँ मैं दादा से बात करने लग गई, मैं उन्हें अपनी यूट्यूब वीडियो के बारे में बता रही थी। और चलिए अब देखते हैं स्वीटू और सोहम भी उठ चुके, वो क्या कर रहे हैं तो मैं बताती हूँ। स्वीटू और सोहम क्या कर रहे हैं, देखो सुबह सुबह उठते नानी और झूला झूल रहे, देखो। तो ये बाहर की गैलरी है और ये दोनों अब झूला झूल रहे हैं और यहीं पर सोहम साइकिल भी चलाता है। तो ये पूरा खुला ओपन एरिया है इस तरह से। धीरे धीरे चलो बंदे चलते हैं। मम्मी क्या बना रहे हैं, आइसक्रीम। तो यहाँ मम्मी ने बनाई है मैंगो आइसक्रीम, तो अब मैं इसे कंटेनर में फिल कर ड्राई फ्रूट्स और मैंगो के कुछ छोटे छोटे टुकड़े से इसे गार्निश किया है और अब इसे प्लास्टिक से कवर कर देते हैं ताकि इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ना जमे। और साथ में 3 कप जो डिस्पोजल कप आते हैं उन्हें भी फिल किया है, इन्हें भी मैं प्लास्टिक से कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी और बस तैयार हो जाएगी यमी यमी आइसक्रीम। तो बच्चे खेल के आ गए दोनों, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, देखो ना, छोड़ दे तोड़ देगा नहीं, माँ खाने। सोमी कौन है ये बताइए, कौन है पन्ना ना सा है, आउट सोम आउट हो गया। तो कौन आउट हुआ, सोमी हुआ ना, अच्छे से खेल। धीरे धीरे खेल रहे हैं, लग नहीं जाए। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट में बना है उपमा, तो दोनों बच्चों को भी मैं उपमा दे देती हूँ और मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो उपमा मैं अचार के साथ लूँगी, मुझे पसंद है अचार के साथ। और फिर ब्रेकफास्ट करके नादो के आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली पीआर आने पर थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी बना के आइसक्रीम बना के नहाने गए हैं तो मम्मी बोल रहे थे 7-8 घंटे में जम जाती है, बहुत जल्दी जम जाती है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और तो
एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ पे आरती हो रही है, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। ये देखिए छोटा सा मंदिर है, जो इसका मैं इसके बारे में जब मैं मंदिर जाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। यहाँ देखो यहाँ मम्मी ने क्या ग्रो किया है। तो यहाँ पर मम्मी ने मेथी ग्रो की और देखो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो हुई है। तो इसमें फ्रेंड्स जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ये मेथी है, जो पीली मेथी आती है वो, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। मम्मी ने कंटेनर को काट के नीचे पानी फिल किया, ऊपर रेत में रेत और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करके मेथी उगाई। तो बहुत ही जुगाड़ वाला काम किया, लेकिन मेथी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। मंदिर में आरती हो रही है इसलिए घंटियों की आवाज़ आ रही है। और ये और यहाँ दादा सब सो रहे हैं, मैं बता दें कि दादा सब क्या कर रहे हैं। दादा सब सोने देते हैं। तो मम्मी आ गए, देखते हैं मम्मी क्या बना रहे हैं लंच में। तो हम बना रहे हैं तरबूज की सब्जी। तो ये तरबूज का जो व्हाइट भाग था वो हमने कट कर दिया है। इसमें दो हरी मिर्च और टमाटर कट किया है, लहसुन और यहाँ है मसाले। और यहाँ पर हमने कुकर में लिया है ऑयल, अभी गर्म होगा तो इसमें लहसुन का छौंक लगाएंगे। आप चाहे तो जीरा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हींग और लहसुन का छौंक लगाएंगे। आधा चम्मच और इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और अब ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। तो रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको चलाओ कर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको 10 मिनट तक ऐसे ही तेल में फ्राई होने देंगे। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना क्योंकि तरबूज में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस 3 सीटी ले ली और अब सब्जी बनके रेडी हो गई। तो बहुत ही जल्दी से सब्जी बन जाती है। तो ये मेरी मम्मी ने बनाई, तो देखो फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी सब्जी बनी। गरम मसाला आप चाहे तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसे अमचूर और हरे धनिया के साथ गार्निश करेंगे। तो सब्जी देख के मुझे तो लग गई भूख। तो अब मैं करूँगी लंच और लंच करने के बाद आपसे मिलूंगी, क्योंकि मैंने केक रखा ओवन में, उसकी आइसिंग करेंगे। प्यूं प्यूं की आवाज़ आ रही है, गैस करिए क्या बन रहा है। तो आप गैस कर रहे थे तो मैं बता ही देती हूँ क्या बन रहा है। तो देखिए चलिए दिखाती हूँ, यहाँ पे केक बन रहा है। हाय बोलो। तो केक बनके तैयार हो गया था दोपहर में, और मैंने इसे ठंडा किया है क्योंकि आइसिंग करते वक्त मैं ध्यान रखना कि केक गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पर मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, सिर्फ शक्कर और गुनगुने पानी का मिक्सर है यहाँ। अब मैंने स्टार्ट कर ली आइसिंग। तो आइसिंग की जो मेथड वो आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर नहीं की, ऑलरेडी मैं वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। तो पहले हम सिर्फ क्रम कोटिंग करेंगे, इसको फ्रीज में रखेंगे, जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी उसके बाद इस पर सेकेंड लेयर करें, अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो पहले मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद आइसिंग करी ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ऐसा करने से। तो आइसिंग में अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ। मैंने 4-5 केक पर आइसिंग की है, अभी धीरे धीरे हाथ बैठ रहा है। तो फर्स्ट टाइम में आप ही थोड़ा इतना अच्छा आइसिंग नहीं कर पाते, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे केक पर अच्छा डेकोरेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं केक पर आइसिंग करने लेके ये पैलेट नाइफ यूज़ कर रही हूँ, और टर्न टेबल नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया है। तो ये जुगाड़ बहुत परफेक्ट है, अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो भी आप ये जुगाड़ करके आराम से टर्न टेबल जैसे ही काम कर रहा है। नीचे मैंने भगोनी रखी है और ऊपर थाली को उल्टा कर दिया है और वैसे ही टर्न हो रहा है जैसे केक का टर्न टेबल होता है। ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट किया है। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत इसमें लाइंस दिख रही है वो हम ऊपर डेकोरेशन करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। पर डेकोरेशन करने से पहले हम इसे थोड़ी देर फ्रीज में रखेंगे ताकि ये जो हमने चॉकलेट सिरप डाला है ये थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद इस पर चोको चिप्स और आइसिंग से और सिरप से इसे डेकोरेट करेंगे।
थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, माय सब्सक्राइबर, आपने अभी तक मेरे को जो सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को जो सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिए। कैसा बनाए? अच्छा। यस। तो दाऊ साहब भी वॉकिंग करके आ गए हैं, उन्हें भी केक टेस्ट करवाते हैं। और दाऊ साहब फर्स्ट टाइम केक खा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं था कि केक क्या होता है, और उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि टेस्ट अच्छा है। अब सोहम साइकिलिंग के लिए जाएगा, तो चलिए हम भी चलते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? तो पहुंच गया हूँ, यहाँ पे हो रही है आरती। चलो म्यूजिक थोड़ा कम है, खोल फिर गेट को। हाय फ्रेंड्स, तो मैं रोटी बना रही हूँ। मैं बताती हूँ कि डिनर में क्या बना है, बस ये कि रोटी उतारनी है। दाऊसा और पापा जी खाना खा रहे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ डिनर में क्या। मम्मी ने बनाया है लौकी के खमन, बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही सॉफ्ट बने थे जैसे खमन बनते हैं, और आमरस, साथ में कड़ी और रोटी। तो अब चलिए फटाफट डिनर कर लेंगे, रोटी भी रेडी हो चुकी है। ये सब मम्मी ने बनाया, सिर्फ मैंने रोटी उतारी है। तो गाइस टेस्टी बने खमन, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। बस रोटी बन गई, आप दोनों सोम को भी बोले खा लो खाना। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं पर वीडियो का एंड करूंगी। अगर किसी भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो प्लीज। तो बहुत ज्यादा गर्मी है अभी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बारिश नहीं है कहीं भी। इतनी ज्यादा गर्मी है कि किचन में काम करना रियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर हाँ, मैंने कहा मैं आई हूँ तो थोड़ा मम्मी को रेस्ट दूँ, क्योंकि मम्मी को कोविड पॉजिटिव हुआ, अभी नहीं है हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो मैंने कहा भी मैं आई हुई हूँ तो आप रेस्ट करो थोड़ा बहुत, वो दिन भर करते रहते काम, तो मैंने कहा भी मैं कर लेती हूँ। तो ओके, फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल, या फिर देखते हैं कंटिन्यू कब करती हूँ। ओके, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि केक कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट कर, अगर आप मेरे न्यू फ्रेंड है तो वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके ओके, बाय। रात हो गई है और यहाँ पे ये लोग टीवी देख रहे हैं।